हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे फ्रॉम द स्लिट। इट इज फाउंड दैट द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.13 mm फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्लिट्स का जो सेपरेशन है स्मॉल डी वो हमको 0.5 mm गिवन है। जो स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस है कैपिटल डी वो हमको 1 meter गिवन है। ये देखा गया है कि जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज और सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको गिवन है 4.13 mm। सो हमको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि जो हमने लाइट यूज करी है उसकी वेवलेंथ क्या है। सो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए एक्स एन जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर सेंट्रल मैक्सिमा वो क्या होता है, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, एन की वैल्यू पुट करनी है 5। सो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का, सो ये हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ऐसे ही सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है एक्स एम, उसका फॉर्मूला है 2m-1 इंटू लैमडा डी बाय स्मॉल डी। सो ये है हमारे पास एक्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एम की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लैमडा डी बाय 2d। सो हमको x5-x2 का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 4.13 mm। सो x5 है 5 लैम्डा डी बाई डी माइनस x2 है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ डार्क सेकेंड डार्क फ्रिंज वो हमको गिवन है 3 लैम्डा डी बाई 2d। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये गिवन है 4.13 × 10⁻²⁻³ mm में था तो मीटर में कन्वर्ट किया। सो अगर हम यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी को कॉमन लें तो ये हो जाएगा 5-1.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 4.13 × 10⁻³। सो लैम्डा हमको निकालना है बाय स्मॉल डी की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 0.5 mm, मतलब 5 × 10⁻⁴ m। कैपिटल डी की वैल्यू हमको 1 meter गिवन है, 5 में से 1.5 गए तो 3.5 बचा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4.13 × 10⁻³। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.13 × 10⁻³ × 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3.5। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.13 × 5 डिवाइडेड बाय 3.5 × 10⁻⁷, मतलब कि ये आ जाएगा हमारे पास 5.9 × 10⁻⁷ m। सो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर वेवलेंथ यूज्ड लैम्डा इज इक्वल्स टू 5.9 × 10⁻⁷ m। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।